सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेयर्ड परांठा, जिसे लच्छा परांठा भी बोला जाता है, ये शादियों वगैरह में नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से बनाया जाता है, तो मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने मैदा लिया है, ये ऑल पर्पस फ्लावर बोलते हैं इसे। ये मैंने ये वाले 2 बॉल्स लिए हैं, तो आप 2 कटोरी मैदा मतलब मैंने ले लिया है। तो इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी इसलिए डाली जाती है कि इसको क्रिस्पी करने के लिए। और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच सूजी ली है, सेमोलिना, तो ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट हमने मिक्स कर देने हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें एक छोटा सा यहाँ खाली कर लेंगे। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डालना है 1 से 1.5 चम्मच, इतना हम मैंने 1.5 चम्मच के करीब तेल डाला है इसमें। तेल, घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हो। आपने ये वाला जो ऑयल है इसको अच्छी तरह सारे आटे में मिक्स कर देना है। आप दोनों हाथों से भी इस तरह मिक्स कर सकते हो। अब मिक्स होने के बाद हम इसे एक डो बना लेंगे, सॉफ्ट डो बनाएंगे हम। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए डो बनाते हैं वैसा सा डो बनाना है। अब ये डो, सारा आटा हमारा इकट्ठा हो गया है, तो इसको हमने अभी 2 मिनट के लिए मैंने नीड किया है, तो ये ऐसा हो गया है। अब आपने हल्का सा ऑयल हाथ पे लगा के 2-3 मिनट के लिए इसे और नीड करना। अब ये डो हमारा नीड हो गया है। अब मैंने 1/2 टीस्पून इस पे ऑयल लिया है हैंड पे, तो इसको आपने अच्छी तरह इस तरह ऑयल लगा देना है सारी तरफ। और ये आटा गूंदने में मुझे टोटल 5 मिनट लगे हैं और 1 ग्लास इसमें पानी लग गया है। अब हमने इसे किसी बाउल में रख के एक गीले टॉवल से ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देना है। अब इसका जो परांठा है हम 10-15 मिनट बाद बनाएंगे। अब इसे आटे को ढके हुए हमें 1/2 घंटा हो गया है। अब हमने इसे देखना है एक बार, ये काफी थोड़ा फूल गया है क्योंकि सूजी थी इसमें, तो काफी अच्छा हो गया आटा। हम इसे थोड़ा सा नीड कर लेंगे। नीड करने के बाद हम इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे, एक गोले टाइप में इस तरह एक लोई ले लेंगे और इसका हम परांठा बनाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह राउंड कर लेना है और सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। सरफेस को आपने अच्छी तरह क्लीन कर लेना है और इसकी बहुत ही पतली रोटी बनानी है आपने। बिल्कुल पतली होनी चाहिए, मोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हमने एक पतली बिल्कुल रोटी बेल ली है, तो इस पे अब हम ऑयल अप्लाई करेंगे। इस तरह आपने पूरे परांठे पे कॉर्नर्स तक बिल्कुल अच्छी तरह ऑयल लगा देना है। आपके पास ब्रश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप हाथ से इस तरह अच्छी तरह लगा दीजिए। ऑयल इस पे अच्छी तरह लग गया है। अब हमने ये नाइफ लिया है, नाइफ से हम इसकी पतली पतली इस तरह स्ट्रिप्स काट देंगे। बिल्कुल पतली काटनी है आपने। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है और ऑयल को हम वही वाला ऑयल जो पहले हमने लगाया था उसको अच्छी तरह फैला देंगे, क्योंकि जो इसकी कटिंग हुई है उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऑयल चला जाए। और अब हम इसे इस तरह यहां से कॉर्नर से इकट्ठा करना शुरू करेंगे। अगर आपको थोड़ी वो प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह नाइफ से भी कर सकते हो। अभी सारा परांठा इस तरह जो है उठ गया है। अब इसे भी हमने अच्छी तरह, वही ऑयल तो पहले लगा ही हुआ है तो हमने इसे फैला देना है अच्छी तरह।
अगर आपका थोड़ा कम है ऑयल तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा ब्रश पे लगा के इस पे पूरे पे अप्लाई कर दें। अब आपने ये अपना हाथ लेना है, हाथ के ऊपर इस तरह रखना है इसको, इस तरह एक बार घुमा देंगे इस तरह गोल, थोड़ा पीछे लेके जाएंगे थोड़ा इस तरह, और अब हम इसे इस तरह ऊपर की तरफ रख के ये एक इस तरह गोल कर देंगे इसकी शेप, और इसे अब हम अपने हाथों से धीरे धीरे दबाएंगे। आपने अगर इसको बेलन से बेलना है तो आप बेल सकते हो, लेकिन इसको हाथ से ऐसे दबाओगे तो इसकी जो लेयर्स हैं बिल्कुल इक्वल आएंगी, बेलन से बेलने से ये लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। आपने इसको बड़े धीरे धीरे इस तरह फैलाते जाना है, क्योंकि ये थोड़ा जो मैदा होता है ये बहुत चिपकू होता है, एकदम चीड़ा होता है मतलब एकदम से, तो इसे आपने स्टिकी टाइप में होगा ये थोड़ा सा, ये जितना फैलेगा उतना ही अंदर जाएगा, तो इसे आपने अपने हाथों से इस तरह दबाते रहना है, और ये थोड़ा जब पतला फील होगा आपको कि ये पतला हो गया है, तब ये परांठा आपका रेडी हो जाएगा। अब ये परांठा काफी साइज में बड़ा हो गया है, अब हम इसे यहां से उठा के तवे पे डाल देंगे। तवे पे डाल के भी हमने थोड़ा सा इसको दबाना है, और अब हम इसे सेकेंगे अच्छी तरह। एक साइड से थोड़ा सा होने के बाद अब हम इसे इस तरह पलटी कर देंगे, और इस पे ऑयल अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा नीचे भी डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालना आपने, बस कुछ ड्रॉप्स लगानी है। अब आपने इसे एक एक मिनट में इस तरह पलटी करते जाना है और अच्छी तरह सेकते जाना है। अब हम इसे इस तरह स्पैटुला से दबा दबा कर सेकेंगे थोड़ा, क्योंकि इसकी लेयर्स निकालनी है हमने। अपने आप लेयर्स तो अपने आप खुल जाएंगी, लेकिन इसको अब हम इस तरह दबाएंगे थोड़ा सेकेंगे। अब ये इस तरह दोनों साइड से हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, इस पे हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे और अब पलटी कर देंगे इस तरह इस साइड से भी। आपने इसे धीरे धीरे मतलब ज्यादा तेज आंच पे नहीं सेकना, नहीं तो ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। आपने इसे धीरे धीरे सेकना है। अब ये परांठा हमारा रेडी हो गया है, अब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। इस तरह ये देखिए लेयर्स हमारी इस तरह निकल गई हैं पूरी परांठे की, देखिए इस तरह आ गया है, ये बिल्कुल लेयर्स अलग अलग हो गई हैं। अब आपने इसे इस तरह थोड़ा क्रश करोगे, ये देखिए आपको दिख रहा है ये पूरा परांठा अच्छी तरह रेडी हो गया। इधर से भी ये देखिए पूरी लेयर्स निकली है इसकी, ये देखिए यहां से, अब इसे हम प्लेट में डाल लेंगे और ये परांठा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।